हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी कॉमिक वर्ल्ड में, जहाँ पर मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ ब्राइटेस्ट डे का एक और एक्साइटिंग पार्ट। और अगर आपने इससे पहले की पार्ट नहीं देखे तो मेरे चैनल पर जाकर आप ब्राइटेस्ट डे की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं और पिछले पार्ट्स एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बॉटम ऑफ अटलांटिक, जहाँ पर हम देखते हैं मेरा एक्वामैन और उनके बच्चे को, जिनके विजन्स देख रहा था जैक्सन, और वो पूछ रहा था कि आखिर ये है कौन। तब एक्वामैन उसे जवाब देता है कि वो मेरी वाइफ और मेरा बेटा है, जिसे तुम्हारे बायोलॉजिकल फादर ब्लैक मांटा ने मार दिया। आगे वो कहता है कि तुम्हारे सैरोगेट पेरेंट्स यहाँ पर है और वो यहीं पर सेफ रहेंगे, तब तक मैं और तुम दोनों जाकर मेरा के पीपल से डील करेंगे। तब जैक्सन साफ साफ आने से मना कर देता है। तब वो कहता है कि तुम यहाँ पर नहीं रुक सकते, क्योंकि मेरा के पीपल तुम्हें मारने की कोशिश करेंगे, और क्योंकि वो बरमूडा ट्रायंगल से आजाद हो चुके हैं, वो तुम्हारे लिए यहाँ पर आएंगे। तब वो पूछता है कि आखिर वो है कौन। तब एक्वामैन बताता है कि हजारों सालों पहले अटलांटियंस, जो कि जेबेल की कॉलोनी से बैनिश किए गए थे, और वो सरफेस के वर्ल्ड के लोगों से और उनके राइवल्स यानी कि अटलांटियंस और उनके साथ मुझसे वो हेट करते हैं, और अब वो एक बार जब फ्री हो चुके हैं तो वो लोग लैंड और सी के बीच में वॉर करा के उन दोनों वर्ल्ड्स को डिस्ट्रॉय करेंगे। और वो आगे कहता है कि अपने माता पिता को गुड बाय कहो और मेरे साथ चलो। तब जैक्सन कहता है लेकिन तुम्हें उन्हें रोकने के लिए मेरी क्यों जरूरत है। तब एक्वामैन बताता है क्योंकि तुम ही हो जो मेरा के पीपल्स को लॉक कर सकते हो, तो इसी वजह से तुम इस वॉर को रोकोगे शुरू होने से पहले। वॉच टावर, सेटेलाइट हेडक्वार्टर जस्टिस लीग ऑफ अमेरिका का, जहाँ पर एक ट्यूब में फायरस्टॉर्म बंद था और उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट चल रहा था उसके मेटामॉर्फोसिस को कम करने के लिए, ताकि वो अपने पावर्स को कंट्रोल में ला सके। और यहाँ पर जेसन और रॉनी एक दूसरे से बात कर रहे थे, जहाँ पर जेसन कहता है अगर उन्होंने हमारे पावर्स को कंट्रोल में ला दिया तो ये कमाल हो जाएगा। तब रॉनी कहता है और इसके साथ ही हम तुम्हारे पिता और प्रोफेसर स्टेन को ढूंढने चलेंगे अगर वो जिंदा हुए तो। और इसी के साथ आज का एपिसोड शुरू होता है। एक बार जो 12 विलन्स और हीरोज मर चुके थे वो एक लाइट के जरिए रेजरेक्ट हो चुके हैं, जो कि अर्थ के डीप सेंटर से आ चुकी है, लेकिन अब तक उनकी रेजरेक्शन की वजह एक राज बनी हुई है, एक मिस्ट्री, और इस मिस्ट्री को हम सुलझाएंगे ब्राइटेस्ट डे में। पर कहीं दूर किसी जगह पर ब्लैक लैंटर्न फायरस्टॉर्म यानी कि डेथ स्टॉर्म जेसन के पिता और प्रोफेसर स्टेन से बात कर रहा था, जहाँ पर वो कहता है कि ये पावर है, एक्सट्रीम पावर, व्हाइट लैंटर्न सोर्स है सभी लाइफ का, और मुझे ये डिलीवरी बॉय की तरह एक जगह पहुँचानी है। तब प्रोफेसर स्टेन उसे पूछते है कि किसको। तब डेथ स्टॉर्म उसे कहता है तुम बहुत ज्यादा सवाल पूछते हो, लेकिन मुझे पता है कि तुम सवाल क्यों पूछ रहे हो, क्योंकि जितना तुम मुझे इसमें उलझाए रखोगे उतना ही वक्त उन दोनों को मिलेगा मेरी तरफ आने के लिए, लेकिन वो लूजर्स खुद से निपट ही नहीं पाएंगे तो वो मुझ तक क्या पहुंचेंगे। तब एल्विन कहता है कि मेरा बेटा तुमसे ज्यादा कैपेबल है। तब डेथस्टॉर्म उसे बताता है कि पहली बात तो ये रज कि वो मुझे हार्म करने का रिस्क नहीं लेंगे क्योंकि तुम दोनों मेरे साथ फ्यूज हो, और दूसरी बात कि मैं उनसे ज्यादा पावरफुल हूँ, मैं ऑर्गेनिक को ट्रांसम्यूट कर सकता हूँ, इसका मतलब है कि मैं डर्ट को ब्लैक लैंटर बना सकता हूँ और उनके स्किन को यानी कि फायरस्टॉर्म के स्किन को पिघला सकता हूँ, और मैं रॉनी और जेसन को किल करूंगा उनके मोस्ट पॉसिबल पेनफुल वे में, और वो मुझे रोक भी नहीं पाएंगे, लेकिन मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ। और तब वो एल्विन के सामने एक गन रखते हुए कहता है कि तुम्हारी और तुम्हारे बेटे की कभी नहीं बनी, तुम उसके साथ कभी नहीं थे, लेकिन मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ, तुम इससे खुद को शूट करो ताकि तुम्हारा बेटा बच जाए। और तब वो एल्विन को अपने से दूर करता है, जहाँ पर स्टेन उससे कहता है कि आगे बढ़ो और रिस्क लो। तब डेथस्टॉर्म उससे कहता है मुझे पता है कि तुम ये नहीं करोगे, लेकिन याद रखना कि जब वो दोनों तड़पेंगे तब उसके जिम्मेदार तुम होगे, उसके आईबॉल्स जब कॉकरोचेस में बदलेंगे और ब्लड एसिड में, तब वो चीखेंगे और उस चीख के जिम्मेदार तुम होगे। यहाँ पर स्टेन उसे कहता है कि ये जल्दी से करो एल्विन, और ऊपर वाला तुम्हारे सोल हेवन में लेगा, और एल्विन भी वही करता है, लेकिन उस पर हंसते हुए डेथस्टॉर्म कहता है कि मैं बुलेट्स क्रिएट करना ही भूल गया, तो अब मजाक बहुत हो चुका, और वो ब्लैक लैंटर्न उठाकर एक तरफ पड़ने लगता है और कहता है कि हमें एक डिलीवरी करनी है। यहाँ पर सी के पास वाले एक केव में एक्वामैन और जैक्सन दोनों ही एक तरफ पड़ रहे थे, जहाँ पर जैक्सन कहता है कि मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, क्या हम टॉर्च नहीं ला सकते थे। तब एक्वामैन कहता है कि सी का बॉटम इससे भी डार्क होता है, तुम्हें सिर्फ अपने आंखों को एडजस्ट करने की जरूरत है, और तुम बिलीव करोगे और तुम देखने लगोगे,
और होता ऐसा ही है। जैसे ही वो बिलीव करता है, उसे अपने सामने एक एक्स मार्क दिखता है और उस एक्स मार्क को एक्वामैन तोड़ देता है और एक चेस्ट ओपन करता है जो कि बायोलॉक थी, जो जेसन के हाथ लगाने से ही खुल जाती है और उसे एक इल्यूजन दिखाती है, एक होलोग्राफिक मैसेज, जहाँ पर मेरा उसे कहती है कि मेरा नाम है मेरा और मैं जेबेल के किंग की बेटी हूँ और अब अपने लोगों के लिए मैं गद्दार हूँ। मेरे लोगों ने तुम्हें बहुत सारे पेन से गुजारा है जिसे तुम याद नहीं करना चाहोगे, जो एक्सपेरिमेंट तुम पर किया गया और जिससे तुम बच गए, लेकिन तुम्हारी मदर नहीं। मेरे फादर बिलीव करते हैं कि तुम जेबेल में पैदा हुए इस वजह से तुम ही की हो यहाँ से बाहर निकलने की और जेबेल को बाकी दुनिया से जोड़ने की, लेकिन तुम्हारे पास उसे ओपन करने की पावर है, इसी वजह से तुम्हारे पास उसे क्लोज करने की भी पावर है, लेकिन इस बीच तुम्हारी जान भी जा सकती है और मैंने अटलांटियन के किंग से ये सीखा है कि किसी की जान लेना ठीक नहीं है, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए जान ली, अपने फादर के रूल से खुद को और तुम्हें आजाद किया, लेकिन अब मैं वुमन विदाउट होम हूँ, लेकिन मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगी जब तक तुम्हारे लिए मैं होम ना ढूंढ लूं। और तभी एक्वामैन उसे उस मैसेज से बाहर लाता है और एक्वामैन से वो पूछता है कि आखिर वो था क्या। तब एक्वामैन बताता है कि वो एक रिकॉर्डेड मैसेज था जैसे कि ऑस्मोसिस, और वो आगे कहता है कि वो औरत मुझे कालडूर कह रही थी और मैंने अपनी माँ को देखा, अपनी असली माँ को जो कि मर चुकी थी। तब वो आगे कहता है कि मैं मेरा से इस बारे में डिटेल में पूछूंगा, लेकिन अभी वो क्लेम करो जो तुम्हारा बर्थ राइट है। और तब हम देखते हैं उस चेस्ट में कॉस्ट्यूम और वेपन्स रखे हुए थे। तब जैक्सन कहता है कि मुझे घर जाना है अपने पेरेंट्स के पास। तब वो कहता है जैक्सन तुम नहीं जा सकते क्योंकि तुम्हारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। तब वो कहता है मुझे नहीं चाहिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, और उसे एक्वामैन रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जैक्सन अपनी पावर का इस्तेमाल करके उसके साथ लड़ने लगता है और उसे शांत करने के लिए एक्वामैन अपने पावर्स का इस्तेमाल करता है, और शांत होने के बाद वो उससे कहता है तुम्हें ये सब करना ही होगा। तब वो बताता है तुम समझ नहीं रहे, मैं ये सब नहीं करना चाहता, कोई नहीं समझ सकता। तब एक्वामैन कहता है कि मैं 13 साल का था जब वो वाटर से मेरे लिए बाहर आए। एटलांटियन टेररिस्ट जो कि क्वीन के पहले बेटे को यानी कि मुझे मारना चाहते थे, मेरे पिता ह्यूमन थे और उन्होंने मुझे अपने बिलीव के साथ बड़ा किया और वो बनाया जो मैं आज हूँ। वो मुझे प्रोटेक्ट करना चाहते थे लेकिन वो नहीं कर पाए और मैं उनके जाने के बाद अटलांटिस लौट गया। मुझे लगा कि उन्हें किंग की जरूरत होगी, लेकिन मैं गलत था क्योंकि मेरे पिता की वजह से मैं वहाँ भी अपनाया नहीं गया। और मुझे पता है कि मैं तुमसे बहुत कुछ करने के लिए कह रहा हूँ, लेकिन यकीन करो अगर तुम इसके काबिल नहीं होते या फिर मुझे लगता कि तुम इसके लिए तैयार नहीं हो तो मैं कहता ही नहीं। और तब उस पूरे स्टफ को अपने हाथ में लेते हुए वो तैयार होने लगता है और पूछता है कि आखिर ये है क्या। तब वो कहता है कि ये वाटर बियरर्स है, मेरा यूनिक है उनके लोगों में क्योंकि उसके पास हाइड्रोकनेसिस की वो पावर्स है जो कि किसी भी जेबेलियंस से ज्यादा एडवांस है, लेकिन तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होगा क्योंकि जेबेलियंस के पास लिमिटेड पावर्स होती है, तो ये तुम्हें वाटर को शेप देने में मदद करेगा। और वो पूछता है कि जैक्सन क्या तुम रेडी हो, तो वो कहता है नहीं, लेकिन ये मुझे नहीं रोक सकता। तो देखते हैं कि दुश्मनों पर मैं कितना भारी पड़ता हूँ। यहाँ पर फायरस्टॉर्म एटम से पूछ रहा था कि तुम मेट्रामॉर्फ के लिए क्यों वेट कर रहे हो। तब वो बताता है क्योंकि मेट्रामॉर्फ ही तुम्हें कंट्रोल पाने में मदद करेंगे किसी स्टेबिलाइजर की तरह, और इसी वजह से तुम अपने न्यूक्लियर एनर्जी को कंट्रोल कर पाओगे। तब वो आगे कहता है और अगर ऐसा ना हुआ तो। तब जैसन उसे कहता है रॉनी उसे फिनिश करने दो, मुझे सुनना है कि वो क्या कहता है। तब रॉनी कहता है पर मैं तो क्वेश्चन पूछ रहा था कि अगर ये वर्क ना किया तो। तब वो कहता है लेकिन हमें ट्राई किए बिना पता कैसे चलेगा। तब वो कहता है लेकिन हमारे पास बैकअप प्लान तो होना ही चाहिए, जैसे कि प्रोफेसर स्टेन जो मेरे लिए हमेशा एक बैकअप प्लान तैयार रखते थे एक पिता की तरह। तुम नहीं समझ पाओगे। तब जैसन गुस्से में कहता है ये फेयर नहीं है। तब दोनों एक दूसरे से झगड़ने लगते हैं और वो आर्ग्यूमेंट उस मैट्रिक्स को अपसेट कर देती है, और तभी एक बहुत बड़ा धमाका होता है। तब एटम उनकी तरफ बढ़ते हुए कहता है रॉनी जैसन रुको, मुझे तुम्हारे लिए मदद बुलाने दो। और जैसे ही वो दोनों धमाका करते हैं रॉनी बेहोश हो जाता है, और होश में आने के बाद वो देखता है कि उसके चारों तरफ अंधेरा है। तब वो दोनों एक दूसरे से पूछते हैं क्या हमने यूनिवर्स डिस्ट्रॉय कर दिया। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है, तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, एंजॉय द लाइफ, धन्यवाद और जय हिंद।